अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू फोर व्यूज। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है MG4 इलेक्ट्रिक, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, एग्जाइट और एसेंस। एग्जाइट इसका बेस वेरिएंट है, एसेंस इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये बेस वेरिएंट है इसका, लेकिन इसके अंदर अभी हम इसको वीडियो में आपके डिफरेंसेस बताएंगे। थैंक यू टू सिटी कार सेंटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और डिसेंट इसकी फ्रंट लुक आती है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स में आए तो बहुत ही इसकी शार्प एंगल्स के साथ इसकी हेडलाइट आती है। उसके अंदर DRL आ जाते हैं, इंडिकेटर आ जाता है, एक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है। नीचे काफ़ी खूबसूरत बम्पर है इसका, उसमें कट्स आते हैं। बम्पर लिप आ जाता है मैट ब्लैक में। सेंटर में यहाँ पे उसके रडार के सेंसर्स आ जाते हैं। यहाँ पे MG का लोगो आता है। काफ़ी खूबसूरत बम्पर है और जो इसका बोनट है उसके अंदर काफ़ी शार्प ट्रैक्टर लाइंस आती हैं। अब मैं इसकी साइड प्रोफाइल में आऊँ तो बहुत ही डिसेंट इसकी साइड प्रोफाइल है। ये एक सी सेगमेंट की SUV है। सबसे पहले अब इसके टायर्स में आए साइड पर, कॉन्टिनेंटल का टायर आता है, 215/50 R17 टायर साइज है। 17 inch इसका स्टील व्हील है, उसके ऊपर व्हील कैप आता है, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पर इसके जो साइड मिरर्स हैं उसमें LED इंडिकेटर आता है और ये मैट ब्लैक पियानो ब्लैक आता है और ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये हाथ से ही हमें करने पड़ते हैं। अब इसके डोर हैंडल्स पे आए हैं, वो बॉडी कलर आते हैं, उसमें सेंटर हैंड लॉकिंग आ जाती है और यहाँ पे उसमें काफ़ी खूबसूरत मैट ब्लैक में ट्रिम्स आती हैं। अब मैं इसकी बैक प्रोफाइल पे आऊँ, काफ़ी डिसेंट और फ्यूचरिस्टिक इसकी बैक प्रोफाइल आती है। काफ़ी खूबसूरत टेल लैम्प्स हैं, LED बार्स आती हैं, यहाँ पर ब्रेक लैम्प आ जाता है, LED इंडिकेटर्स हैं, LED रिवर्स लाइट है। इसकी लाइट में काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे एक्सेंट्स आते हैं। स्पॉइलर आता है पियानो ब्लैक में। MG4 इलेक्ट्रिक की बैजिंग आ जाती है। बम्पर में पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे इसका डिफ्यूज़र बम्पर है, उसमें रिफ्लेक्टर्स हैं। यहाँ पे रियर फॉग लैंप आ जाता है, ये यहाँ पे इसके डिफॉगर आता है, विंडशील्ड वाइपर आ जाता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है और इसके अंदर ऑटो बूट नहीं आता, जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें आता है। अगर ट्रंक की स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी ट्रंक स्पेस आती है। यहाँ पे LED लाइट आ जाती है, चार्जर आता है और इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, इसका एयर प्रेशर मॉनिटर आ जाता है। अगर मैं इसका बोनट खोलें अब तो अंदर इसके अंदर फ्रंक नहीं आता, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़्यादा फ्रंक होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मोटर्स वह रहे हैं तो हमें कोई आगे जगह नहीं मिलती। अब मैं इसके इंटीरियर में आऊँ तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इसका इंटीरियर आता है। अगर हमें इसके स्टार्ट स्टॉप के बटन की बात करूँ, इसके अंदर कोई स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं आता, इसके अंदर स्मार्ट स्टार्ट है। चाबी मेरे हाथ में है, मैं स्टेयरिंग को टच करूँगा और गाड़ी स्टार्ट है। अब इसके इंटीरियर में आए हैं तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर है, स्टेयरिंग भी बहुत खूबसूरत है, इसका स्पीडोमीटर, इंफोटेनमेंट और सेंटर कंसोल भी बहुत खूबसूरत है। अब मैं इसके इंटीरियर में आया हूँ, सबसे पहले इसके ड्राइविंग डोर पे आते हैं। यहाँ पे सारे मास्टर कंट्रोल्स आ जाते हैं, ब्लू स्टिचिंग आती है ब्लैक के साथ। यहाँ पे स्पीकर आता है, कप होल्डर, फाइल होल्डर, यहाँ पे अनलॉक लॉक आ जाता है। यहाँ पे इसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे उसके राइट लेफ्ट आता है साइड मिरर, जिससे वो एडजस्ट होती हैं। यहाँ पे हेडलाइट्स की एलुमिनेशन आती है, नीचे बोनट ओपनर आ जाता है। काफ़ी पियानो ब्लैक का यूज़ है इंटीरियर में। स्टेयरिंग जो है इसका काफ़ी डी शेप भी नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत डिफरेंट शेप है स्टेयरिंग की। पियानो ब्लैक उसमें भी आता है। जो इसका स्पीडोमीटर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं, एयरबैग आता है, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, ऑटो हेडलाइट्स आ जाती हैं। 7.1 inches का इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत जो इसका स्पीडोमीटर है। सेंटर कंसोल में आए तो यहाँ पर उसके अंदर गेयर बॉक्स आ जाता है, 1-speed गेयर बॉक्स आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आ जाती है। जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आती है, लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ फोन होल्डर आ जाता है। 10.2.5 inches की इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है, यहाँ से AC ऑन ऑफ का आ जाता है।
हैजर्ड्स का बटन आता है, नीचे बटन्स आ जाते हैं, वैसे ये टच स्क्रीन है। स्क्रीन की भी इसमें एप्पल कारप्ले आता है, एंड्रॉयड ऑटो आता है, काफ़ी अच्छी इसका रिस्पॉन्स है। इसके अंदर यहाँ पे सारे इसके डेस्क के फीचर्स आ जाते हैं, एमजी पायलट के सारे फीचर्स हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे देखें, इसके अंदर 5 ड्राइविंग मोड्स हैं, स्नो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम। कस्टम में आप अपने लिहाज से इसको इसका मोड सेट कर सकते हैं। लाइटिंग में भी इसके लाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं, सेफ्टी फीचर में सारे इसके सेफ्टी के कंट्रोल्स यहाँ पे, सारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के आ जाता है। और यही है इसकी स्क्रीन में, काफ़ी अच्छी इसकी स्क्रीन का रिस्पॉन्स है। एसी भी स्क्रीन में ही है इसकी, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो एसी होगा वो यहाँ से ही होगा इसका सारा एडजस्ट। यहाँ पे सेंटर में इसके स्टोरेज स्पेस आ जाती है, दो यहाँ पे आ जाते हैं कप होल्डर्स, बाकी सारी इसकी स्पेस है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है ब्लू स्टिचिंग के साथ, और अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, लेकिन कुछ नहीं आता अंदर, बस स्पेस है। इसके अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर आता है, ऊपर यहाँ पे गॉगल होल्डर आ जाता है, यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स आ जाते हैं, और इसकी जो रूफ है वो सारी वो है ब्लैक में, ब्लैक कलर में। यहाँ पे इसमें आता है मिरर, वेनिटी, सन वाइजर के अंदर, और यहाँ पे ग्लव बॉक्स आ जाते हैं जिसके अंदर एक लाइट आती है। यहाँ पे इसके अंदर पियानो ब्लैक का आ जाता है यूज़, एसी वेंट्स आते हैं उसी के अंदर पियानो ब्लैक में। अब मैं इसकी पावर की बात करूँ तो इसके अंदर 51 किलोवाट की लिथियम बैटरीज आती हैं, और जो हॉर्स पावर है इसकी वो है 167 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती हैं, और ये 18 आवर्स में ये चार्ज होती है टोटल गाड़ी। लेकिन जो एसेंस है वो जल्दी से चार्ज होता है, उसकी बैटरी भी बड़ी है उसकी। इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर आती है फुल चार्ज पे, लेकिन जब आप मोड वगैरह करते हैं तो वो रेंज आप उसके हिसाब से सेट होती है। अब मैं इसके दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस की अगर बात करूं तो जो टॉप ऑफ द लाइन इसका वेरिएंट है वो 1 करोड़ 30 लाख का है, और जो ये बेस वेरिएंट है ये 1 करोड़ 10 लाख का है। इसके अंदर 51 किलोवाट की बैटरी आती है, और जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन है उसके अंदर 64 किलोवाट की बैटरी आती है। ये जो है ये 167 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और जो टॉप ऑफ द लाइन है वो 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है, और जो टॉप ऑफ द लाइन है उसकी 450 किलोमीटर है। जो इसका चार्जिंग टाइम है वो 18 घंटे, और जो टॉप ऑफ द लाइन है उसका 9 घंटे, और उसकी बैटरी भी हालांकि बड़ी है। इसके अंदर यहाँ पे फोन होल्डर आता है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, और जो टॉप ऑफ द लाइन है उसके अंदर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आती है। अब मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ, दोनों सीट्स मैनुअल एडजस्टेबल हैं, जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी मैनुअल एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। अगर मैं इसके सेफ्टी की बात करूँ, इसके दोनों वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आते हैं। इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, लेन असिस्ट आती है, कि लेन कीप असिस्ट आती है, उसका जो क्रूज कंट्रोल है वो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, चाइल्ड लॉक आता है, चाइल्ड सीट आइसोफिक एंकर्स आ जाते हैं, और भी इसके अंदर काफ़ी सेफ्टी फीचर्स आते हैं। अब मैं इसकी रेयर सीट्स पे आऊँ तो एंट्री काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेग स्पेस और हेड स्पेस आती है, ग्रैब हैंडल आ जाता है। जो रेयर डोर है उसमें यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ होता है, पीछे भी डोर में स्टिचिंग होती है ब्लू। यहाँ पे स्पीकर आ जाता है, फाइल कप होल्डर नहीं आता इसमें, फाइल होल्डर आता है, पीछे यूएसबी पोर्ट आ जाता है, और थोड़ी स्पेस आती है। सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है इसमें, 3 हेडरेस्ट आती हैं और फैब्रिक सीट्स आती हैं इसके अंदर। अब अगर हमने इस गाड़ी को बंद करना है तो जो इस गाड़ी का रिमोट है वो तो हम गाड़ी से बाहर लेके जाएंगे, जब तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी।